Beautiful. Great. I'm very happy with you youngsters. Keep it up. Keep it up. Good luck. सर हाँ आइए आइए सर, वो मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। बैठे सर, मैं मुजना हमीद के शो पे मजीद काम नहीं कर सकती। When you came here, आपको पॉलिटिकल जर्नलिज्म में बहुत शौक था और ये शो सिर्फ पॉलिटिकली है, तो ना व्हाट्स अ प्रॉब्लम? लेकिन मुझे पॉलिटिकल जर्नलिज्म से ज्यादा एथिकल जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है। क्या मतलब? मुजना हमीद गलत हरकतें करती है, वो लोगों से रिश्वत लेती है और दूसरे लोगों के खिलाफ रिपोर्ट्स बनाती है। She has no morals. Listen, young lady, I'm not interested in morals, ethics. I'm only interested in ratings. Ratings for this channel. No. Sir, this is not right. तो मैं रिजाइन कर देती हूँ। You can't be serious, please. I am serious, sir. मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म के प्रोग्राम पे 3.9 GPA लेके ग्रेजुएट किया मैंने। You know, I had opportunities. मैं वॉशिंगटन DC में मुझे काम मिल रहा था, लेकिन मैं वापस आई पाकिस्तान काम करने के लिए। और अब मैं मुजना हमीद के लिए चाय बना रही हूँ, उसके लिए सिगरेट ला रही हूँ, और आप लोग सब इस ऑफिस में उससे डरते हैं। देखो बेटे, मैं जानता हूं कि मुजना हमीद का इस चैनल के लिए शो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यू आर एज इंपॉर्टेंट एज हर टू मी। देखो, तुम भूल रही हो कि एक साल पहले तुम सिर्फ एक इंटर्न थी और ये एक साल में कितनी तुमने तरक्की की है। फॉर गॉड सेक, नाउ यू हेड ऑफ द रिसर्च डिपार्टमेंट। उसकी जो भी वो करती फिरती है, डोंट concern yourself with it. Just stick to your work. Don't concern yourself. Now please, get back to your table and do the good work. Please. Yeah. Ah, sir, how are you? Long time. कहाँ हैं आजकल आप? कभी हमारे चैनल पे भी तो चक्कर लगा लें। अरे सर, हमारी इज्जत बढ़ेगी आपके होते हुए। पता नहीं इस तरह का आइडिया उसके दिमाग में आया भी कैसे। पता नहीं, इसीलिए मैंने सोचा कि तेरे से बात करूं। अरे बाबा देखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपनी बहनों को यूनिवर्सिटीज भेज के और बाद में लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। कोई जरूरत नहीं इसको यूनिवर्सिटी जाने की। शादी करे बस, जाए दूसरे घर में। कौन सा यूनिवर्सिटी जाके इसने हार्ट सर्जरी करना सीख लेनी है? और मैं जानता हूं बाबा वहां पे किस तरह के लड़के आते हैं, सब पता है मुझे। यार बात तो ठीक कह रहा है, लेकिन वो एक्सक्यूज मी बाबा, आई हैव टू टेक दिस वन मोमेंट। हेलो। हाँ सुनो, वो टेक्स्ट मिला मेरा तुम्हें? क्या मतलब? यार तुम कौन से जमाने की बात कर रही हो? हाँ देखो, आजकल की लड़कियां ना जो एक एक हफ्ता बाहर गुजारती हैं और एक रात के लिए तुम नहीं निकल सकती। अब मुझे नहीं पता, बस यू हैव टू बी देयर। हाँ चलो, आई टॉक टू यू लेटर। बाय बाय। पार्सल आया था आपके। हाँ अरे सुनो, ये क्या सुन रहा हूँ मैं आजकल? क्या सुन रहे हैं? ये क्या नया शौक पाल लिया तुमने? हाँ लाहौर जाने का। पता नहीं हम किस खानदान से हैं। उसी खानदान से जिस खानदान से आप हैं। जब आप इस वक्त बाहर पढ़ सकते हैं तो मुझ पे इतनी पाबंदियां क्यों हैं? मेरे साथ ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है सोफिया। और ये पट्टी लाजमी तुम्हें तुम्हारी उस दोस्त नादिया ने पढ़ाई होगी। उसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है भाई। बस मैंने जो कहना था कह दिया। बंद करो घूमना ऐसी लड़कियों के साथ, और ये शहर से बाहर पढ़ाई के जो ख्वाब है ना, ये भी देखना बंद करो।
बस कर दो यार, क्या रात यहीं गुजारने का इरादा है? पहली दफा लेट नहीं काम कर रहा है। बंदे की कोई लाइफ शायद भी होती है भाई। नहीं है ना मेरी लाइफ, लेकिन तुम यहाँ इतनी देर तक क्यों काम कर रहे हो? घर जाओ, मैं परेशान हूँ। अच्छा जी, मेरी अम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी। जब तुम इंटर्नशिप करती थी तो तुम कितने बजे घर जाती थी? 12, 12:30, 2:30, 7 बजे सुबह। एग्जैक्टली, तो फिर मुझे इतनी जल्दी घर क्यों भेज रही हो? मैं तो बेवकूफ थी, मुझे क्या पता था कि इतने साल मेहनत करने के बाद मुझे मुजना हमीद की जूतियां ही खानी है। अमेरिका में किसका नाम ले दिया मुजना हमीद? अरे छोड़ो उनको, छोड़ने वाले। सीरियसली? अरसल I want to quit. I hate this life. यहाँ के लोग देखे, करप्शन, जहाँ जाओ सर में दर्द, ऊपर से घर में अकेले रहना, yuck. Hate this life. तो मत रहो ना अकेले। मैं तो कहता हूँ सब छोड़ो और मेरे साथ चलो, आज पार्टी करते हैं। मुझे काम है। As you wish. और हो सकता है कि वहां तुमको तुम्हारा मिस्टर राइट मिल जाए। हाय। अच्छा सुनो, रुको यार, आई एम कमिंग। हे, कितने ख्वाब दिखाता है ना ये शहर। क्या कुछ सोचकर मैं यहां पर आई, कि अब तक क्या कुछ कर जाऊंगी इस तरह शहर को नहीं देखने के लिए, क्योंकि पूरा शहर मुझे देख रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी दो, एंड आई एम रियली गोना मिस इट। क्या तुम वाकई जॉब छोड़ रही हो? ना भाई, देखो वजह सब तुम्हें जाने नहीं देंगे। तुम्हारे बगैर रिसर्च डिपार्टमेंट क्या करेगा हमारा? और वैसे भी कितनी तारीफ करते हैं वो तुम्हारी, तुम्हारे बगैर क्या करेंगे हम? सब कुछ ठीक होगा, कुछ नहीं होगा, कोई और बुद्धू आ जाएगी मेरी जगह। भाई वो तो आ ही जाएगी। आई मीन तुम अपना कहो कि तुम क्या करोगे? काफी ऑप्शंस हैं। कराची आने से पहले डीसी में वो जॉब अपॉर्चुनिटी थी, फिर कोलंबिया से पीएचडी,